नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वायरल ज्ञान में। आजकल आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा कि ड्राइव सेफ, हेलमेट जरूर पहने, दुर्घटना से देर भली, आराम से चले, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है और ऐसी बहुत सी चीजें सड़कों पर या कई वाहनों पर लिखी होती हैं। पर फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देते और किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। और आजकल के नौजवानों की हेलमेट पहनने को लेकर क्या कहानी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। इन्हें तो हेलमेट पहनने में बेइज्जती महसूस होती है और आंकड़ों की माने तो सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में सबसे ज्यादा मौत हेलमेट ना पहनने की वजह से होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही परिवार की कहानी दिखाऊंगा जिनके घर का एक नौजवान बच्चा हेलमेट ना पहनने की वजह से एक सड़क दुर्घटना में मारा गया और उसकी 13वीं पर जो इन्होंने किया वो आप लोगों को दिखाना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हेलमेट ना पहनने की वजह से एक बाइक सवार युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद इस युवक के परिवार के सदस्यों ने युवक की 13वीं पर लोगों को खाना खिलाया और साथ ही साथ लोगों को नए हेलमेट भी दिए और ये सलाह भी दी कि सड़क पर वाहन चलाते हुए हेलमेट जरूर पहने ताकि जो इनके परिवार के साथ हुआ है वो और लोगों के साथ ना हो। वीडियो में साफ देखा जा सकता है जितने भी लोग भोजन कर रहे हैं उन्हें ये परिवार के लोग छोटे बच्चों के हाथों सभी को खाने की थाली के साथ साथ एक हेलमेट भी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये इन लोगों को नहीं बल्कि इनके परिवार के छोटे बच्चों को ये सलाह दे रहे हैं कि बड़े होकर तुम्हें हेलमेट जरूर पहनना है ताकि जो हादसा अभी इनके घर में हुआ है वो दोबारा ना हो। तो देखा आप सभी ने क्या बीतती है एक परिवार पर जब उनका जवान बच्चा मर जाए। तो मेरा तो आप लोगों से यही कहना है कि यार, ये जितने भी पुलिस वाले या जो चीजें जगह जगह लगी होती हैं या जो पुलिस वाले हमें हेलमेट ना पहनने की वजह से रोकते हैं, इनमें उनका कोई भलाई या फायदा नहीं होता बल्कि वो कहीं ना कहीं हमारा ही अच्छा करने की सोचते हैं। मैंने तो कई ऐसे भी लोग देखे हैं जो पुलिस वालों को ही गालियां दे देते हैं या जो लोग हमें कुछ अच्छी सलाह देते हैं उन्हें ही भला बुरा बोलने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये इकलौता सड़क हादसा था जिसमें किसी की जान गई है बल्कि ऐसे सैकड़ों हादसे रोज होते हैं। पर इस मामले में जो इन परिवार वालों ने किया वो बिल्कुल अलग है और साथ ही साथ एक संदेश भी देता है कि हेलमेट जरूर पहनने और सचमुच आपके परिवार वाले आपके घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हैं तो एक बार इस बारे में सोचना जरूर। अब आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही देश विदेश की वायरल वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहे मेरे साथ वायरल ज्ञान में। सबसे अहम बात, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक कर लीजिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पंजाब केसरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अनिरुद्ध ठाकुर, पंजाब केसरी स्टूडियो से।